नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रीटिंग्स के बारे में। जो ग्रीटिंग्स होती है इंग्लिश की, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, दोस्तों इनको कब कब कहाँ कहाँ कैसे हम इंग्लिश बोलते हुए यूज़ कर सकते हैं, इनका एक्यूरेट टाइम क्या होता है बोलने का, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है दोस्तों आपका गुड मॉर्निंग। दोस्तों गुड मॉर्निंग को कहने का जो टाइम होता है वो होता है आपका सुबह सनराइज, यानी सूर्योदय से लेके आपका दिन के 12 बजे तक। दोस्तों सनराइज टू 12 PM इन द आफ्टरनून, ये होता है आपका गुड मॉर्निंग कहने का समय। दोस्तों गुड मॉर्निंग कहते हैं आप इसलिए क्योंकि आप ये बताते हैं सामने वाले को, जैसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों नमस्ते, वैसे इंग्लिश में आप कहते हैं गुड मॉर्निंग। दोस्तों गुड मॉर्निंग कह के आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपके दिन की शुरुआत हो चुकी है, आपने अपना दिन शुरू कर दिया है, तो इसलिए आप कहते हैं गुड मॉर्निंग। दोस्तों मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल जाते हैं सुबह 8 या 9 बज रहे हैं, या अगर आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, अगर आप वर्किंग मैन या वुमेन है तो आप ऑफिस जा रहे हैं, तो आपको ऑफिस में आपका कोई बॉस मिल जाए या आपका कोलीग मिल जाए, और स्कूल में जा रहे हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फ्रेंड मिल जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे दोस्तों? गुड मॉर्निंग। दिन के 12 बजे तक आप उसे कहेंगे गुड मॉर्निंग। दोस्तों याद रखिएगा। अब अगला है दोस्तों आपका गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग था दोस्तों सनराइज से 12 बजे तक, गुड आफ्टरनून चलता है आपका 12 बजे से लेके शाम के 4 या 5 बजे तक। दोस्तों इसका कोई एज सच फिक्स टाइम नहीं है कि शाम को 4 बजे तक ही आपका जो है गुड आफ्टरनून बोला जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारी ग्रीटिंग्स होती हैं ये सब दोस्तों दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो टाइम, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सनराइज से 12, 12 से 4 या 5, फिर 5 से रात के 12, ऐसा जो टाइम है, एक तो टाइम पे डिपेंड करेगी ये ग्रीटिंग। दूसरी डिपेंड करती है दोस्तों आपकी सिचुएशन पे, तो आपको सिचुएशन बेस्ड भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ शाम के 4 या 5 बजे तो ये फिक्स नहीं है टाइम, तो 4 या 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। बट मान लीजिए किसी ने शाम को 5 बजे आपको गुड इवनिंग कह दिया, तो आप उसे गलत नहीं बोल सकते दोस्तों। इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कैसे, ये मैं आपको अभी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं कि देखिए, पहले सनराइज से लेके 12 बजे तक रहा आपका गुड मॉर्निंग, अब 12 बजे से लेके शाम के 4 या 5 बजे तक आप कहेंगे किसी को गुड आफ्टरनून। तो मान लीजिए अगर आप स्कूल से या ऑफिस से घर आ रहे दिन के समय, दिन के 2 या 3 बजे हुए हैं, तो आपको कोई आपके नेबर मिल जाता है या कोई अंकल आंटी मिल जाते हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों? गुड आफ्टरनून। दोस्तों दिन के 2 या 3 बजे आप गुड आफ्टरनून का यूज़ करते हैं। अब शाम को दोस्तों मान लीजिए 6, 7, 8 बज रहे हैं, तो तब आप क्या कहेंगे दोस्तों? गुड इवनिंग। दोस्तों गुड इवनिंग कहते हैं आप जब शाम को दोस्तों सूर्य ढलने लगता है, मतलब सनसेट से लेके जब तक आप सोने नहीं जाते दोस्तों रात को, तब तक आप क्या कहते हैं दोस्तों? गुड इवनिंग। और जब आप सोने जाते हैं, जब आप सोने जा रहे हैं, तब आप कहते हैं दोस्तों गुड नाइट का। मैं आपको ये समझाऊंगा एग्जांपल के माध्यम से। मान लीजिए शाम को कोई 5 बजे या 6 बजे आपको कोई आपका फ्रेंड मिल जाता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, गुड इवनिंग आप उसे कहेंगे। तो आप उसके साथ घूमने गए, आपने बाहर खाया पिया, आपने मूवी देखी, तो शाम को जब मान लीजिए 10 बज चुके हैं, तो 10 बजे वो अपने घर जा रहा है सोने, आप अपने घर जा रहे हैं सोने, तो तब आप उसे क्या कहेंगे? गुड नाइट दोस्तों, क्योंकि आप उसके बाद उसे अब नहीं मिलने वाले, वो अपने घर जाके सो जाएगा, आप अपने घर जाके सो जाओगे, तो क्या हो गया? गुड नाइट। बट मान लीजिए दोस्तों रात के 9, 10 या 11 बजे हैं और अचानक आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाए या कोई भी आपका फ्रेंड आ जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे दोस्तों गुड इवनिंग, आप उसे गुड नाइट नहीं कहेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी भी इंसान से मिलते हैं शाम के समय, तो आप हमेशा कहते हैं दोस्तों गुड इवनिंग। मिलने के समय में शाम को आप गुड इवनिंग कहते हैं, और विदा लेते समय आप कहते हैं गुड नाइट। गुड नाइट मीन्स योर डे इज़ ओवर, मतलब अब आपके दिन ख़त्म हो गया है, अब आप और कुछ नहीं करने वाले, आप सोने वाले हैं। तो तब आप जब सोने जा रहे हैं, उससे पहले कोई मिलता है तो आप उसे कहते हैं गुड नाइट। बट कोई मतलब मान लीजिए शाम को या 7, 8 या 9 या 10, 11, 12 बजे भी दोस्तों अगर कोई मिल रहा है आपसे, कोई आपके घर आया है, तो आप क्या कहेंगे? हमेशा गुड इवनिंग। और जब आप दोनों सोने जाएंगे, मान लीजिए 12 बजे कोई आपके घर आया, आपने 15-20 मिनट बात करी, आपने गुड इवनिंग कहा, 15-20 मिनट बात करी, फिर वो अपने घर चला गया, आप अपने घर सोने जा रहे हैं, तो आप उसे तब कहेंगे गुड नाइट। बट जब वो 12 बजे मिलेगा, तब आप उसे कहेंगे गुड इवनिंग। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों ये था टाइम पे डिपेंड। देखिए सिचुएशन पे कैसे डिपेंड हो सकता है। मान लीजिए आपके घर में आप जो हैं एक नाइट शिफ्ट करते हैं और आप सुबह 5 बजे घर आते हैं, तो 5 बजे तो मॉर्निंग हो चुकी है कायदे से देखा जाए तो, आपको गुड मॉर्निंग बोला जाएगा। पर दोस्तों आप मान लीजिए 5 बजे घर आ रहे हैं और 5 बजे एक आपके घर में कोई इंसान है, आपकी मम्मी है पापा हैं, वो आपके लिए दरवाज़ा अगर खोलते हैं तो उनके लिए तो डे टाइम है, उनके लिए तो दिन की शुरुआत हो रही है क्योंकि वो तो सो के उठे हैं। बट आप नाइट शिफ्ट करके आ रहे हो तो आप तो सोने जा रहे हो, तो आपके लिए तो अब गुड नाइट होगा। तो इसमें दोस्तों अगर आपको ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करनी है तो देखिए कैसे करेंगे आप, तो आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे दोस्तों, गुड नाइट, क्योंकि आप रात भर उठे थे, आप अब सोने जा रहे हो, भले ही सुबह के 5 बज चुके हैं बट आप सोने जा रहे हो, तो आपको बोलेंगे वो गुड नाइट। बट आपके पेरेंट्स रात को सो के अब उठे हैं तो उनके दिन की शुरुआत है, आपका दिन खत्म है, उनके दिन की शुरुआत है, तो उन्हें आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये डिपेंड करते हैं दोस्तों सिचुएशन पे और टाइम पे। तो दोस्तों मेन यही होता है कि दोस्तों आप सिचुएशन या टाइम के अकॉर्डिंग ही इसे बोलें, बट ऐसा बेसिकली कोई इसमें कोई टाइम पर्टिकुलर नहीं होता, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि शाम के 4 बज चुके हैं तो आपको गुड इवनिंग ही बोलना है या गुड आफ्टरनून ही बोलना है। आपने गुड आफ्टरनून बोला, कोई आपको गुड इवनिंग बोल दे तो वो भी सही है। मान लीजिए दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है जैसे आजकल बरसात का टाइम है तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो मान लीजिए दिन के या शाम के 4 बजे हैं और बादल लग चुके हैं और सूरज नहीं आया है, आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों कि शाम के 4 बजे हैं तो गुड आफ्टरनून ही बोला जाएगा। नहीं दोस्तों, शाम के 4 बजे हैं, बादल लगे हुए हैं, तो आप गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बस ध्यान रखिए कि सुबह सनराइज से लेकर दिन के 12 तक क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग, 12 से लेकर शाम के 4 या 5 तक आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब भी आप किसी से मिलेंगे, 5 बज रहे हो, 6 बज रहे हो, 7, 8, 9, 10, 11 बजा, मिलने के समय बोला जाएगा गुड इवनिंग। और जब आप विदा लेंगे, जब मतलब आपके दिन ख़त्म होने वाला है, आप जिससे मिले थे वो अपने घर जाके सोने वाले हैं और आप अपने घर जाके सोने वाले हो, उसके बाद आपकी मुलाकात उनसे नहीं होने वाली, तब आप बोलते हैं दोस्तों गुड नाइट। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि ग्रीटिंग्स का आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कब गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, कब गुड इवनिंग, कब गुड आफ्टरनून और कब गुड नाइट का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।